आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मुमरा के संजय नगर में एक दुखद हादसा पेश आया जिसमें 20 वर्षीय रोहित शुक्ला के करंट लगने से मौत वाक़ हो गई है। संजय नगर के बगल में जो मैक कंपनी है वहाँ पर टोरेंट पावर का दफ्तर है, उसके बाहर गाड़ियाँ धोने की जो सर्विस सेंटर चलती है, ये सर्विस सेंटर आपके सामने है, ये कल्लू शुक्ला का सर्विस सेंटर है जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ और कारें धोई जाती थी। बता दें कि ये लोग जो है अपनी मोटर चलाने के लिए कांटे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कांटा लगा के उससे करंट लेकर ये लोग अपनी मोटर चलाते हैं, तो उस कांटे को लगाया और निकाला जाता है, जिसे लगाने के लिए रोहित शुक्ला वहाँ गया हुआ था या निकालने गया था, लगाने गया था। बहरहाल उस दौरान वो तार जो है उसके सीने से चिपक गया, जिसकी वजह से उसे करंट का शदीद झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। बहरहाल जो वहाँ लोग मौजूद थे, मकामी लोगों ने फौरन उसे वहाँ से उठाकर करीबी बुरहानी अस्पताल में एडमिट किया, जहाँ डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, यानी मुर्दा करार दे दिया। बहरहाल उनका जो परिवार है वो काफ़ी सदमे में है। बता दें कि दो दिन पहले ही रोहित शुक्ला के भाई को भी करंट के झटके लगे थे, लेकिन ये लापरवाही कही जाएगी कि इतना बड़ा हादसा आज हो गया, अगर पहले चलो सतर्क हो जाते तो आज ये हादसा ना हो पाता। आप देख सकते हैं कि उनका परिवार बहुत ही गम से निडाल है, लोगों का रो रो के बुरा हाल है। बहरहाल एक 20 वर्षीय नौजवान करंट लगने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मुमरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन्होंने लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुमरा पुलिस मजीद तफ्तीश में जुटी हुई है। बहरहाल ये एक बहुत ही दुखद हादसा है कि एक 20 वर्षीय नौजवान रोहित शुक्ला, जो गाड़ियों को धोने का काम करता था, उसका सर्विस सेंटर था उसके पिता का, उसके वालिद का, और वहाँ पर करंट लग जाने की वजह से, शदीद करंट लगने की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मुमरा पुलिस मजीद तफ्तीश में जुटी हुई है। कि जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस पाइप से गाड़ियाँ धोई जाती हैं, मोटर बाइक या कार धोई जाती है, उस पाइप के आगे भी तांबे या पीतल का कुछ लगा रहता है जिससे पानी बड़ी फोर्स से निकलता है, तो कुछ लोगों ने बताया कि उसमें करंट आ गया था जिसकी वजह से उसे करंट लग गया और मौत वाकई हो गई। बहरहाल दो तरह की बातें सामने आई हैं, एक तो है कि वो कांटा लगाने गया था या निकालने गया था, दूसरा ये कि पाइप में आके जो मेटल लगा होता है जिसमें करंट आने की वजह से उसकी करंट लगने से मौत वाकई हो गई है। बहरहाल ये बहुत ही दुखद हुआ, हमने उसके परिवार वालों से बात करना चाहा लेकिन वो लोग बहुत सदमे में निढाल हैं, बहुत गम का माहौल है, इसलिए उनके परिजनों से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स की जानिब से जो ये जो हादसा हुआ है उनके परिवार वालों से अपना दुख और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।